नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसआई यूपीएसआई को लेकर के बहुत बड़ी नोटिफिकेशन के साथ मैं आपके साथ हूं। जो लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि अभी यूपीएसआई और एएसआई की वैकेंसी आई है, लिपिक संवर्ग में वैकेंसी आई है, एकदम रेडी हो जाओ, सब कुछ फाइनल हो चुका है। विभाग के अंदर की खबर है, अभी 15 जुलाई को इस पर बैठक थी, उस बैठक के परिपेक्ष में क्या क्या निर्णय लिए जाने थे और उन पर सहमत बन चुकी है, क्योंकि क्रमिक विभाग और शासन से सब कुछ पास हो चुका था, जिसके लिए हम लोगों ने बहस शुरू किया था। बहुत ही जरूरी चीजें हैं, एकदम कान खोल के सुनो, आंखें खोल के देखो सारे हर एक चीजें, और मना स्थिति को एकदम मजबूत करके और लग जाओ, क्योंकि लक्ष्य आपके सामने है। यूपीएसआई और एएसआई जो यूपीएसआई में गोपनीय लिपिक और लेखा के पद थे, और जो नागरिक पुलिस सेवा में आपके उपनिरीक्षक यानी एसआई का पद है, दोनों चीजें जो है उत्तर प्रदेश जो पुलिस बोर्ड है उसके द्वारा मंजूर हो चुका है। डीजीपी की अभी बैठक थी कल ही। देखिए, इस बैठक में जो जो प्रस्ताव शामिल किए गए थे उसमें कुछ बिंदु थे जिन पर चर्चा करनी थी कि इन इन बिंदुओं पर फैसला लेना है। उसमें जो 49,000 की वैकेंसी आपकी यूपी पुलिस की थी उसको लेकर भी कुछ फैसले थे, और जो आपकी ये उपनिरीक्षक की वैकेंसी है नागरिक पुलिस सेवा की, साथ ही साथ जो लिपिक संवर्ग है, गोपनीय विभाग है और लेखा संवर्ग है, इसमें वैकेंसी थी, इन दोनों को लेकर के फाइनल सबमिशन था, और वह चीजें शासन के द्वारा पारित हो चुकी है। डीजीपी की मीटिंग थी, तो बहुत जल्दी आपको विज्ञापन दिखने के आसार हैं। मतलब पूरी तरीके से मना स्थित भैया बहुत ज्यादा पद आ रहे हैं इस बार। पदों की संख्या जो आ रही है आपके सामने मैंने लगाया है, इस बार जो पद आपके आ रहे हैं वह पद आपके कितने हैं अगर देखा जाए तो पद जो आपके बनेंगे वह 7,000 पद आ रहे हैं। ठीक है, 7,000 पोस्ट आ रही हैं, इसमें आपकी 1200 जो 77 पद हैं यह आपके लिपिक संवर्ग जो है क्लर्कियल जो आपकी पोस्ट होती है, और जो आपका कॉन्फिडेंशियल है यानी गोपनीय है, और तीसरा जो आपका विभाग है जिसमें उसने अकाउंट यानी लेखा दिया है, इसमें तीनों को मिलाकर 1277, पिछली बार 650 थे, और जो दूसरा आपका नागरिक पुलिस उत्तर प्रदेश आपका एसआई है, इसके लिए आपके जो बाकी बचे 5623 पद, यानी दोनों मिलाकर के 7000 पदों पर डिसीजन शासन के द्वारा हो चुका है। ये 7000 पद का नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आपके सामने होगा। कैसे मैं कह रहा हूं इस चीज का प्रमाण देखिए, आपके सामने चीजें हैं यहां पर, किस आधार पर इन चीजों को आपके सामने रखा गया है, चलिए इसको देखिए भाई। अगर जो हम बात कर रहे हैं यह कहां तक आपका सत्य है तो इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप सारे लोग। देखिए, आपके सामने है हर एक चीजें, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। अभी एक बैठक थी, ठीक है, 15 तारीख को डीजीपी की जो आपके हैं उनको लेकर के कि कुछ चीजें फाइनल करनी है, 15-7 की ये चीजें हैं, आपको दिख रही होंगी। उस दिन पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक है, तो एजेंडा मतलब उस बैठक में क्या क्या चीजें आपकी किन किन मुद्दों पर बात होना है उन चीजों को लेकर पर चर्चा थी। इसमें लिखा था प्रशिक्षण को लेकर के ट्रेनिंग पर जाने वाले जो आपके अभ्यर्थी हैं, इसको टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, ठीक है, जो लोग प्रशिक्षण पर जा रहे थे उनको कैसे ट्रेनिंग पर भेजा जाना है, जो 19,000 आपके सिपाही भर्ती हो चुकी है, ठीक, इनके प्रशिक्षण को लेकर 49,000 आपके जो है 568 जो सिपाही हैं इनकी ट्रेनिंग को लेकर बात होनी थी। दूसरी बात, पदोन्नत पूर्व जो प्रशिक्षण होना है, जिनका जो है पदोन्नत दी जानी है उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाना है, उन पर परिचर्चा थी, ठीक है, उनके 3125 ये विभागीय चीजें थी। और तीसरी चीजें, ठीक है, जो है कुछ आपकी जो भर्ती थी 1985 वाले आरक्षी से मुख्य आरक्षी बने हैं उन पर प्रस्ताव आपका ये था, उन पर परिचर्चा थी। अगली जो मुख्य बात है भैया वो ये है कि जो आपके यहां पर 2018 की वैकेंसी रही अक्टूबर 18 की, इसमें जो आपके चयनित हुए हैं सारे लोग उनको पुलिस मुख्यालय भेजना है। और तीसरी बात, जो लिपिक संवर्गीय सीधी भर्ती के कुल 1277 पद का अध्याचन पर अग्रिम कार्यवाही करनी है यानी नोटिफिकेशन निकलना है, और उप निरीक्षक नागरिक पुलिस सीधी भर्ती कुल पद 5623 ये 1277 ये 7000 पदों पर नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे से आप लोग सुन लीजिए, टीम ने पूरी तरीके से इसके लिए निःशुल्क बैच लॉन्च कर दिया है। बैच आपका 15 तारीख से ही शुरू हो चुका है, सारे लोग लगातार क्लासेस देंगे, ऐप सारे लोग डाउनलोड करिए, वहां आप 10+ कोर्स ओपन करिए,
10 प्लस कोर्स में यूपीएसआई की सारी क्लासेज एकदम सीरियल बद्ध से लगी हुई हैं, निःशुल्क क्लासेज हैं, सारे के सारे कोर्स कवर किए जा रहे हैं बहुत अच्छे से, पूरी टेस्ट सीरीज, पूरा मटेरियल, क्विजेज, हर दिन कम से कम 4-5 क्लास, बहुत विधिवत ये सब चल रहा है। 10 प्लस कोर्स ओपन करना, वहां पर रजिस्टर करना, यूपीएसआई एएसआई खोलना, इसमें पूरी आपकी ऊपर सबसे पहले क्लास लगी होगी अलग अलग, फिर उसमें क्लास के नीचे उनकी पीडीएफ लगी है, पीडीएफ से नीचे उनके आपके क्विज लगे हैं, और बाद में सारे लोग मैनेज होके कुछ भी आपको बातचीत करनी है, कोई भी जानकारी लेनी है बैच के बारे में, तो 9450006007 पर कभी भी कॉल करिए, 8115879555 पर आप कॉल करिए, कोई भी जानकारी लेनी है 7398676291 पर आप कॉल करिए, ठीक है। इन तीनों नंबर पर आप कभी भी 24x7 कॉल करके जो भी समस्या आ रही है, ऐप में कैसे देखना है, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएसआई जो आप एएसआई है, इससे पहले मैंने इसके पूरे सिलेबस के बारे में चर्चा की है, वो इससे पहले आपकी इसी सीरीज में लगा हुआ है, वीडियो में ऊपर जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद जो होगा अगली वीडियो जो मिलेगी उसमें हम बात करेंगे जो नागरिक पुलिस है उसमें क्या क्या आपकी हाइट वेट सब कुछ होता है, क्योंकि एएसआई वाले जो लोग हैं क्वालिफिकेशंस को लेकर के, ओ लेवल को लेकर के, इससे पहले कि मेरी वीडियो देख लें उसमें सब कुछ क्लियर है। तो मिलते हैं इसके बाद, आपका यूपीएसआई जो सिविल आपकी है यानी नागरिक पुलिस है उसमें क्या क्या हाइट, चेस्ट, वेट मेजरमेंट कैसे कैसे होता है, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, तो उस वीडियो को भी इनके लिए जरूर देखें। धन्यवाद।